मैं प्रोफेसर जयपाल सिंह। प्यारे दोस्तों, कल असी अखबारों के एक खबर पढ़ी कि एक IAS अफसर परमजीत सिंह जो ट्रांसपोर्ट महकमे का डायरेक्टर है उसनू विजिलेंस ने 2 लाख रुपए लेंद्या रंगे हथी फड़िया। जिहड़े लोग एजुकेशन नाल जुड़े हुए है उन्होंने चंगी तरह पता है भी यही परमजीत सिंह IAS अफसर ने DPI कॉलेज के वजों बड़ियां धांधलियां कीतियां ते उसने इस सिस्टम का साडे कॉलेज सिस्टम का पट्ठा बिठाउण दे विच बड़ा वड्डा योगदान पाया। इहदी जिहड़ी जड़ है पिछली जिहड़ी अकाली भाजपा सरकार सी उहदे च बादल सरकार का IAS PCS अफसरां प्रति मोह जिहड़ा है उहदे विचों ये जड़ां पैदा हुईयां, क्योंकि पहला DPI की जिहड़ी पोस्ट है वह प्रिंसीपलों के भरी जाती सी। जिहड़े प्रोफेसर प्रिंसीपल बन गए, प्रिंसीपलों तो बाद DPI बनते सी, उन्हां नूं कालजां दे सिस्टम का अंदरों पता हुंदा सी ते वह कुछ ना कुछ ठीक करते रहिंदे सी। ते बादल सरकार ने रखड़ा साहब जदों मंत्री सी उन्होंने ये पोस्ट PCS IAS लई करती ते उस तों बाद जिहड़े बने लगता है सी भी उन्हां दी जिहड़ी पूर्ण योग्यता है वह हुई है भी जिहड़े अड्ड महकमें वड्डे वड्डे करप्शन के केसां च रहे होण वो इत्थे DPI लाए गए। ये जस्ट एक कमेंट्री है साडे एजुकेशन सिस्टम के उत्ते। अज सरकार ने केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया, उस बजट के जिहड़ी डिजिटल सिक्ख्या है उहदे ते बहुत ज़्यादा जोर दिता गया, डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाउण दे वादे तक करते। जबकि बड़े बड़े जिहड़े अर्थशास्त्री है दुनिया भर के वो ये मानते हैं भी जिहड़ी क्लासरूम टीचिंग है जिहदे विच डायरैक्ट कॉन्टैक्ट है टीचर का ते विद्यार्थी का उहदा कोई बदल नहीं। करोना एक बहाना बन गया लोगों के हत्थां च, बच्चों के हत्थां च मोबाइल ते लैपटॉप फड़ाउण दा, ताकि ऑनलाइन एजुकेशन राही टीचर नूं माइनस करके अपनी जिम्मेवारी तो पूरा पल्ला झाड़िया जा सके। पर जिहड़ी न्यू एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल जदों कानून बने खेती दे कानून उदों ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरा हल्ला सारे देश ते कीता गया सीगा, उदों ही जिहड़े कानून ने के अपने लेबर कानून उन्होंने रद्द करके कोड बने, उदों ही एजुकेशन पॉलिसी बनी। उस पॉलिसी का जिहड़ा खरड़ा पहला दिता गया करोना तो पहला उहदे विच भी ये जिहड़ा ऑनलाइन सिक्ख्या दा इहदे ते बहुत ज़्यादा जोर दिता गया सी ते पॉलिसी दे विच भी दिता गया। सो कहण दा भाव यह है भी सारे देश की जिहड़ी दिशा है एजुकेशन की वह इधरले पासे लिजाई जा रही है कि वड्डे वड्डे कारपोरेट घराने इस तरह की एजुकेशन देण लई जिहदे च टीचर माइंस होवे, कुछ चंद बंदिआं दे जिहड़े जिहड़े हैगे आ लैक्चर उहनां राहीं तुसीं लोकां नूं दूर बैठे हुंदे हो, किसी नूं पल्ले पै गया जां ना पै गया कुछ नहीं, उहदा कोई जिम्मेवारी नहीं, तुहाडी सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं। जिहड़ा आर्टिकल 45 कंस्टीट्यूशन का कहिंदा है भी सरकार ये लाजमी देगी विद्या जां उदी उदा अपना हक उदा उदा अपना फर्ज है सरकार का, उन्हां फर्जां तो पूरी तरह नाल भज चुकी है केंद्र की सरकार भी ते सूबियां दी सरकार। हुण इस संदर्भ दे विच जिहड़ा सिक्ख्या हैगी है सिक्ख्या दे उत्ते बड़े लोकां ने काम कीता हैगा। मैनूं याद है भी एक मध्य प्रदेश दे विच होशंगाबाद जिले दे विच स्कूली सिक्ख्या नूं बहुत ही दिलचस्प तरीक़ों नाल किवें पढ़ाया जाए, किहा जा सिलेबस होवे, की सहायक समगरी होवे जिहड़ी पिंड चों ही मिल जाए हर थां तों मिल जाए उस दे राहीं उह करदे। मैं उत्थे जा के आप भी देख के आया होया, तो मतलब कहण दा भाव बच्चे दे पद्धर ते जा के किस तरह जाया जाए। तो असीं इक जॉय ऑफ लर्निंग नाँ दे प्रोग्राम च भी काम कीता है, मैं देखिया भी पंजाब दे जिहड़े टीचर ने उह इस गल्लों कई सारे कुछ काम चोर हैगे है उन्होंने की गल छड़ दिए उन्होंने वक्री तरह डील करने की लोड़ है, पर सारे इको रस्से बन के आप जे बंदे काम करते हैं उन्होंने भी डिमोरलाइज करिए चंगा काम नहीं, उधरले पासे सानू तुरन की लोड़ है। एक जिहड़ा होर पहलू असी देख रहे हैं भी पिछली सरकार ने पंजाब के जिहड़े कॉलेज ने ते यूनिवर्सिटियां ने उन्होंने जिहड़े टीचर ने उन्होंने उन्होंने ग्रेड नोटिफाई ही नहीं किए ते वो लड़दे भी रहे, इतों तक कि मुख्यमंत्री के जिहड़े टीचर ने जिहड़े उन्हें पढ़ाउंदे रहे है वह भी उहदे कोल जाए, उन्हें कह देना मैं कर दूंगा पर करिया नहीं। थोड़े सामने रिजल्ट की है भी जिहड़े सरकारी कॉलेज ने
ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਡਡ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਕੱਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ।